22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और भारत के साथ साथ अब पाकिस्तान में भी इसकी गूंज जो है वो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। दरअसल दानिश कनेरिया एक बार फिर से सुर्खियों में बन गए हैं, क्योंकि दानिश कनेरिया ने एक बार फिर से अपने हिंदुत्व का कह सकते हैं उदाहरण पेश करते हुए अपने पोस्ट में श्री राम को अपना राजा बताया है। हम आपको बता दें कि दानिश कनेरिया अक्सर इस तरह की हिंदुत्व की बात कर सुर्खियों में रहते हैं और कभी भी वो इस बात से गुरेज नहीं करते, ये कहने से गुरेज नहीं करते कि उनको हिंदुत्व और सनातन होने का खामियाजा जो है वो पाकिस्तान में भुगतना पड़ा है। खैर, जो ताज़ा मामला है वो हम आपको बता दें, क्योंकि 22 जनवरी को बहुत बड़ा दिन है, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में दानिश कनेरिया ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है, ज़रा गौर कीजिएगा। उन्होंने लिखा है, हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और अब सिर्फ 8 दिन का इंतजार है, जय श्री राम। इस पोस्ट के साथ कनेरिया ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर भगवा झंडा लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। ये पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हम आपको बता दें कि समय समय पर दानिश कनेरिया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करते हुए नजर आते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने आपको ये भी बताया था कि जब लक्षद्वीप और मालदीव्स का विवाद चल रहा था तो एक बार फिर से दानिश कनेरिया ने ओपनली प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट किया था और अपने एक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था, सिर्फ लक्षद्वीप लिखा था और साथ ही साथ एक फायर वाली इमोजी पोस्ट की थी, जो बताता है कि दानिश कनेरिया किस तरह से खुलेआम भारत को और कह सकते हैं कि सनातन को सपोर्ट करते हैं। खैर, बाकी की अपडेट के लिए आप क्रिकेट ज्ञान के साथ बने रहिए और इस तरह के कंटेंट के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान।